पूरा मोहल्ला डूब गया है भाई, अल्लाह माफ़ करे। ओ भाई देखपुर तक जा सकते हैं यहाँ से, हमें चलना पड़ेगा यहाँ से। और ये चाचा को देखो भाई, पानी में डूब के जा रहा है, इनको कोई मसला नहीं है भाई। ये भाई दिन के 11 बज रहे हैं मेरे लिए, अभी सुबह हो रही है भाई। उसकी वजह है कि आज छुट्टी थी भाई, संडे का दिन था, तो मैंने सोचा भाई आज लेट उठ जाते हैं, हर दिन सुबह सुबह उठते हैं तो आज लेट उठ जाते हैं भाई, अपनी मर्जी के मालिक है भाई, क्या करें। और सोचा था आज संडे का दिन है तो कोई व्लॉग शॉक बना लेंगे, कई बार चले जाएंगे घूमने फिरने, कोई कंटेंट मिल जाएगा हमें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसकी मर्ज़ी चलती है भाई। चलो अभी देखो, सुबह के मतलब दिन के 11 बज रहे हैं इस वक्त, सही अच्छी खासी धूप निकली होती है, लेकिन बाहर अगर आप लोग देखो तो ऐसा लगेगा कि भाई नहीं भाई, रात हो रही है, शाम हो रही है। ये चेक करो यार, मौसम चेक करो भाई, ये चेक करो। यही से करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट, और जिन्होंने अभी तक शरालम ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी तक मैंने नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया है, लेकिन यहाँ तक के मुंह तक नहीं धोया है भाई तुम्हारे भाई ने, तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं भाई, बाहर बारिश हो रही है वैसे भी, इंजॉय कर लेंगे और चलते हैं भाई। पर्स वर्स ले लिए हैं, चलते हैं नीचे से कुछ पराठा वराठा लेते हैं यार। चलो भाई, ये क्या है भाई, यहाँ पे तो सीन ही कुछ और है भाई, बाहर तो बंदा निकल ही नहीं सकता, पानी आ गया है भाई इतना, पता जाने यार। चलो यार ये चेक करो गाइस भाई, बच्चे पूरे डूब रहे हैं भाई, हम सो रहे हैं और यहाँ पे पूरा मोहल्ला डूब गया। हाँ आलम भाई से चल ले, सलेंसर वाला बन का। ओ तनवीर भाई, यहाँ पे लोग डूबे जा रहे हैं, मैंने सोचा था तंदूर है वहां पर, खैर तंदूर तक जा सकते हैं यहाँ से, और हमें चलना पड़ेगा यहाँ से। और ये चाचा को देखो भाई, पानी में डूब के जा रहा है, इनको कोई मसला नहीं है भाई। ये तो खैर मच्छर कॉलोनी भर गया। चलो यार हम तंदूर तक किसी तरह पहुंच जाए, हमारी तो खैर हो गई। लेकिन बंदा ये तंदूर वाले को देखो यार, ये कहाँ घूम रहा है यार, ये कहाँ घूम रहे हो तुम, मुझे पराठा कौन देगा अभी। पूरा मोहल्ला डूब गया है भाई, अल्लाह माफ करे। ओ भाई देखकर यार, एक डबल तो लगाओ, डबल पराठा लगाओ एक। 2000 years later. Anyways, भाई सारे दिन बारिश होने के बाद अभी हम निकले हैं आज बाहर गली में, तो रात हो गई और आज हम ना कहीं जा सके, ना कुछ कर सके, ना व्लॉग बना सके। खैर आप ये अभी हमारे साथ हुबैब भाई खड़े हैं। हुबैब भाई कैसा रहा आज बारिश का दिन? जबरदस्त या जबरदस्त? बिल्कुल जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। तो भाई यहाँ के दुकानदारों से पूछते हैं भाई क्या सूरत हाल था इनका, चले आ जाए यार इधर आ। अले दिन भाई फ्रूट वाले खड़ा है। हाँ फ्रूट वाले कैसा रहा आज का दिन? शुक्र अल्लाह का बेहतरीन भाई, बारिश हो रही थी, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? तनवीर पानी अंदर आया था क्या? नुकसान तो नहीं हुआ? पिछली बार तो आ गया था। खैर भाई जो भी बंदा नया आता है तो वो इस दीवार को देखते हैं, तो ये इन्होंने इसलिए बनाया है कि अंदर पानी नहीं आया। जाकिर भाई से पूछते हैं भाई। हाँ जाकिर तो अंदर नहीं आया, यहाँ तो आए ना, तशरीफ तो लाए यहाँ पर, पानी वाने से बचत हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर तो नहीं आया ना पानी? भाई ये देखो इन्होंने भी ये बॉर्डर बनाया हुआ है ताकि अंदर पानी ना आए। तो चलो भाई चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जज़ाकअल्लाह फौजी भाई। फाइनली फ्रेंड्स, ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये भाई आपके भाई ने ले ली भाई, आपके भाई ने ले ली। भाई चुप कर, क्या हो गया? क्या तेरे बाप गए? क्या नहीं, मेरा नहीं है, तेरे बाप का है क्या? हाँ मेरे बाप का है। कहाँ से? अयूब खान ने कब लिया है? भाई अयूब खान ने लिया है भाई, मेरा नहीं है, मेरे बाप का है। मैं आपको इसका विजिट कराऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी अंधेरा है, रात हो चुकी है, सुबह दिखाऊंगा इंशाल्लाह आप सबको। तो भाई मिलते हैं सुबह।
भाई अले दिन के मजे हैं भाई, बारिश वाले दिन हो, जो चाहे बारिश हो, धूप हो, जो भी हो, अले दिन को कोई टेंशन नहीं है। अले दिन क्या यार, कैसा रहा आज का दिन? मजे में। अले दिन कैसा रहा आज का दिन? सही रही, मजा आया बहुत। तू ले रहा है वो ले रहा, दांत तू दिखा रहा है मुझे, मजा मुझे आ रहा है यार, मजा आ रहा है भाई, इतना भी मजा नहीं आ रहा तुझे? बिल्कुल नहीं आ रहा, मजा आ रहा क्यों नहीं? मजा इतना नहीं आया ना भाई, इसको सिर्फ सिगरेट में मजा आता है, इसको बस सिर्फ सिगरेट फिर मजा आता है इसको। चिल्लम मार। द नेक्स्ट डे फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूं अपना होम टूर। तो भाई नीचे का मैं इस वजह से नहीं दिखा रहा हूं कि नीचे जो है पहली फ्लोर पे और आखिरी वाले फ्लोर पे जो सबसे नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें किराएदार मौजूद है। और ऊपर का भी दिखाता हूं, यहां से भी शुरू होता है हमारे जो मतलब तीन फ्लोर है इस पे हम रहते हैं। भाई ये दो कमरे और कुछ छोटा सा सीन सेम है। और यहाँ पे मैं बात इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे मालिक साहब मौजूद है, उनके सामने बात नहीं कर सकते, तो चढ़ते हैं भाई ऊपर की जानिब। और ऊपर की तरफ आते हैं तो ये भाई मेरा फ्लोर स्टार्ट होता है यहाँ से। तो भाई यहाँ से शुरू होता है हमारा फ्लोर, ये सामने देख सकते हो, ये है भाई बाइक का बेडरूम, ये मेरा कमरा है, ठीक है, ये मेरा कमरा है, बस सही है, ये देख लो आप लोग। और अभी मैं दिखाने लगा हूँ आप लोगों को बाइक का कमरा, ये है मेरे बाइक का कमरा, ठीक है, ये है बाइक का कमरा, बाइक का फर्नीचर ये देख सकते हो आप लोग। और अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ किचन, और ये है भाई किचन, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं भाई, यहाँ पे खाना वाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, चल रहा है भाई, नहीं दो तो भाई। ये है वॉशरूम और ये है हमारा कमरा। तो गाइज ऊपर जो है आखिरी फ्लोर है, इसके बाद दो कमरे ऐसे ही सेम ऊपर है और बाहर सेम जो है, यहाँ पे किचन है, ऊपर किचन विचन नहीं है, बिल्कुल खुला पड़ा है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोस्तों आप सबसे अगले व्लॉग में। और इस व्लॉग को और जो हमारे चैनल पे न्यू है ना भाई, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, पर आप बराबर में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस किया करें। तो मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।